हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है बिग बॉस के विनर मुनव्वर फारूकी की जो शायरी है, जिसके लिए वो फेमस हुए। बिग बॉस में इतनी ज्यादा शायरी कही है उन्होंने कि मैं तो फैन हो गई उनकी। मुनव्वर फारूकी इज अ विनर ऑफ बिग बॉस 17। आप सबको पता होगा जिन्होंने बिग बॉस देखा है, नहीं देखा तो जाके देखो। और अगर मुनव्वर फारूकी को नहीं जानते हो तो उनकी स्टैंड अप कॉमेडी भी देखो, उसके जो उसके सॉन्ग्स भी हैं, एल्बम्स देखो, बिग बॉस भी देखो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मुनव्वर फारूकी शायरी सुनते हैं। कि वो बहती नदी सी थी, रुका हुआ हूँ मैं। वो बहती नदी सी थी, रुका हुआ हूँ मैं। वो मुकम्मल सी थी, टूटा हुआ हूँ मैं। उसके आगे मेरा कोई वजूद ही नहीं है, खजाने सी है वो, लूटा हुआ मैं। कुछ तो तू भी कह दे, खामोशी तेरी आती है तूफान लेके। कश्ती को किनारे दे या डुबा दे मुझे तू तेरी पनाहों में लेके। वाह, या लौटेगी तो इंतजार दे दे, रातें कटती नहीं दिन भी इम्तिहान लेते। ये मेरे हाले दिल की तुझे जिम्मेदार कहते, ये बेखबर मैं जिंदा हूँ तेरे ही आसरे पे। किसी की नफरत का बहाना बन गया हूँ, किसी की हंसी का सहारा बन गया हूँ। टूटने पे उनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते हैं मैं सितारा बन गया हूँ। रोशनी से तेरी वहाँ चांद रूठा बैठा है। मैंने तुझे मांगा जब भी टूटता हुआ तारा देखा है। तेरे जैसी महक यहाँ किसी फूल में नहीं, यकीन कर मेरा, मैंने हर बाग देखा है। मेरे मसले मेरी समझ के बाहर है, मेरी ख्वाबों से दोस्ती, नींदों से दुश्मनी है। कोई ले आओ उस परिंदे को जो उसके शहर जाता हो, यूं ही पड़ा है खत जो लिखा कई दिनों से। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। तेरी सीरत साफ शीशे की तरह, मेरे दामन में दाग हजारों। तू नायाब किसी पत्थर की तरह, मेरा उठना बैठना बाजारों में। तेरी मौजूदगी का एहतराम कर भी ले, जब तू होगा रूबरू मैं जज्बात कहाँ छुपाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। तुम एक उम्र लेकर आना, मैं खाली किताबें ले आऊंगा। तोड़कर लाने के वादे नहीं, मैं कलम से सितारे सजाऊंगा। मेरे इंतजार के इंतहा पे शक कैसा, मैंने तेरे आने पे ताउम्र लिखी है। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। मिलोगी जब आशा आई होगी तब उसने लाइन से सुनाई होगी उसे। जब जिन्होंने बिग बॉस देखा है उनको पता होगा कि आयशा खान कौन है जिनसे ये सीन बना। बट ये शायरी खुद लिखते हैं, मतलब खुद ही। हाँ, उन्होंने बताया था कि खुद ही शायरी लिखते हैं और कंपोजिशन भी खुद ही करते हैं सॉन्ग्स वगैरह की। काफी शायरी ऐसी थी जो बिग बॉस में, तो उन्होंने उसी टाइम पे लिख के उन्होंने बोली। तो बिग बॉस के अंदर उनका स्टैंड अप कॉमेडी शो भी हुआ था, वो भी काफी अच्छा। एंड में भी जो स्टैंड अप कॉमेडी हुई थी वो भी बहुत अमेजिंग थी, जब पूरी आवाम जो ऑडिशन थी वो बाहर से आई थी। टैलेंटेड तो बहुत है, ऑडिशन मिला नहीं, मतलब टैलेंटेड तो बहुत है। हाँ है, बहुत टैलेंटेड के बाद बहुत। खोदी जन्नत मैंने, अब सुकून की चाह नहीं। खोकर बिना मंजिल ले चले वो राह नहीं। दगा है सब में, मैं लौट के जाऊं कहां, घर पे इंतजार करने वाली माँ ने। मैंने बहुत बार बताई कि उनकी माँ की डेथ हो गई थी व्हेन शी वाज सो यंग, तो बचपन के उस गरीब बच्चे से शर्त लगाई है मैंने, ख्वाब की खातिर अपनी नींद को आग लगाई है। बहुत मेहनत करी है, बहुत टूटे हैं, तब जाके रब ने ये नियामतें सजाई है। तो ये शायरी सब वो ऐसे सारे लोगों के लिए जो अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी के साथ देखते हैं, कि वो मेरी तरह तुझे पुकारता है क्या, इंतजार में शाम में गुजारता है क्या, माना रखता है वो तुझ पे नजर,
मेरी तरह तेरी नजर उतारता है क्या? मुनव्वर एक शेर सुनाई दो इस बात पे। तराजू नहीं इनके पास मेरे सच तोलने को, उंगलियां उठाए जो है खुद झूठे मुझे तोड़ने को। जरा बताओ इन्हें किस रब का बंदा जो एक रास्ता बंद करता है हजार खोलने को। समंदर को क्या गम है बता भी नहीं सकता, पानी बनकर आंखों में आ भी नहीं सकता। तू छोड़ गया तो उसमें तेरी क्या खता, हर कोई मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। तू कहे तो एक कतरे में ही बह जाऊं, तू कहे तो एक कतरे में ही बह जाऊं, वरना तो कोई तूफान भी मुझे हिला नहीं सकता। ख्वाब तेरे देखना चाहूं पर रात भर ना सो सकूं, अब तू है नहीं सिराने जो हाथ थाम। एक लाइन बोला था कि मौत मुकम्मल, मैं डरने वाला नहीं, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही, तालियों से जब तक भरना दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं। क्या बात है, तो ये ख्वाब स्टेडियम भरना है। लाइन आखिरी कहूंगा, उसके बाद अल्लाह मालिक है। वो था तूफान जो दस्तक दे के आया था, अकेला था, लगा था लश्कर लेके आया था। वो पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, कहना वो डोंगरी वाला आग लेके आया था। मुनव्वर फारूकी बिलोंग्स टू डोंगरी, जो एक सिटी है आई थिंक, या स्टेट है, एक स्टेट है जहाँ पे ये लॉकअप जब जीता था मुनव्वर फारूकी बिग बॉस से पहले, लॉकअप एक शो था कंगना रनावत का, तो वो भी जीता था, ये उसी की ट्रॉफी लेकर वो फाइनल था। डोंगरी डोंगरी मैंने नाम बहुत सुना है, इस पे भी एक वीडियो बननी चाहिए कि डोंगरी है क्या। मुनव्वर ने बनाई है उसके चैनल पे है डोंगरी, उस पे रिएक्ट करेंगे हम। हमने भी देखना है कि व्हाट इज डोंगरी, जिसका नाम मैंने बहुत सुना है इंडिया में, बहुत पहले भी सुना है बोलो, और उसके जो छोटा बेटा है वो भी बोलता रहता है डोंगरी आएगी डोंगरी आएगी, नाम बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे। ये सारे रास्ते पता नहीं किस अंजाम पे आए हैं, ये त्योहार कौन सी सौगात ले आए हैं। हर साल आते थे पटाखे मिठाइयां हमारे घर, लेकिन इस साल कतरीना और सलमान आए हैं। ओके, तो ये थे मुनव्वर फारूकी डोंगरी वाले। तो ये थी उनकी शायरी, वो काफी अच्छी शायरी थी, बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं वो। बिग बॉस का जो इनका सफर था वो बहुत अच्छा रहा है, अब बिग बॉस खत्म हो गया है तो हमारे पास कुछ होता नहीं है 9:30 से 11 बजे तक कुछ देखने के लिए, कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक आदत बन गई थी एक बिग बॉस देखना है किस टाइम से इस टाइम तक, तो अब तो बिल्कुल ही फारिग चल रहे हैं हम लोग। तो अभी मुनव्वर के आएंगे स्टैंड अप कॉमेडी, तो वो देखेंगे और शायद फिर से वो जो वीडियो शूट अभी हो रहा है शायद मुनव्वर की उसमें आए खतरों के खिलाड़ी, वो खतरों के खिलाड़ी में अभिषेक भी आने वाला है, आई थिंक ईशा भी आने वाली है, तो बड़ा मजा आएगा जब ये लोग बाद में फिर से इकट्ठा होने वाले हैं। तीन जो इन लोगों का जो ट्रियो था ना, अभिषेक मुनव्वर एंड मनारा, ये बहुत अच्छा था और इसी को मिस कर रहे हैं हम लोग। मुनव्वर फारूकी जश्न मना रहे हैं, आप लोगों ने देख लिया वो डोंगरी में इतनी ज्यादा आवाम आई है, डोंगरी में इतनी ज्यादा आवाम आई है। मैं जो मुनव्वर फारूकी की जो वीडियो है डोंगरी पे, उस पर भी हम रिएक्ट करेंगे, तो ये वाली वीडियो आप लाइक करें, कमेंट करें कि हमने वो वीडियो रिएक्शन बनानी चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमें उस वीडियो पे रिएक्ट करना चाहिए या नहीं, और बहुत ज़्यादा कमेंट आया तो हम ज़रूर बनाएंगे, और इस वीडियो को भी लाइक कर दें और शेयर भी करें और कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।